नॉर्थ वेस्ट रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा सोमवार को स्पेशल ट्रेन से बाड़मेर पहुंचे। उन्होंने रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण करते हुए पैसेंजर सुविधाओं का फीडबैक लिया। रेलवे स्टेशन पर बैठे पैसेंजर से शर्मा ने बातचीत भी की। स्टेशन एरिया के वॉशिंग लाइन, रनिंग रूम, कोच केयर कॉम्प्लेक्स सहित रिलीफ कोच का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ में जोधपुर मंडल के DRM पंकज कुमार सहित रेलवे अधिकारी मौजूद थे। नॉर्थ वेस्ट रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा सोमवार को स्पेशल ट्रेन से बाड़मेर पहुंचे। रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण करते हुए पैसेंजर सुविधाओं का फीडबैक लिया। रेलवे स्टेशन पर बैठे पैसेंजर से बातचीत भी की। स्टेशन एरिया के वॉशिंग लाइन, रनिंग रूम, कोच केयर कॉम्प्लेक्स सहित रिलीफ कोच का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ में जोधपुर मंडल के DRM पंकज कुमार सहित रेलवे अधिकारी मौजूद थे। GM ने कहा कि बिना शेड्यूल के निरीक्षण किया जा रहा है। दरअसल पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और बालोतरा रेलवे स्टेशन सहित 15 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन विकास योजना से जोड़ा गया है। जोधपुर मंडल के 15 प्रमुख स्टेशन नागौर, नोखा, बाड़मेर, मेड़ता रोड, मारवाड़, भीनमाल, डिडवाना, गोटन, सुजानगढ़, जालोर, रामदेवरा, बालोतरा, रेण, फलोदी, डेगाना व देशनो को शामिल किया गया है। इन जिलों के सांसद व मंत्रियों के सुझाव के आधार और रोजाना रेल में पैसेंजर की संख्या के आधार पर मंत्रालय ने स्कीम में लिया है। वहीं इसको लेकर DRM स्थानीय सांसद व मंत्री ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। प्लान पर अमलीजामा पहनाना बाकी है। सरप्राइज इंस्पेक्शन पर आए हुए हैं और कोई शेड्यूल नहीं है। अचानक जहाँ चीज पे लगता है कि वहाँ इंस्पेक्शन का फोकस एरिया है, वहाँ जाके इंस्पेक्शन शुरू कर दिया। अभी जैसे आपने देखा, रनिंग रूम में इंस्पेक्शन किया और ड्राइवर से चर्चा की, चीफ लोको इंस्पेक्टर से चर्चा की, यहाँ की सुविधाओं का जायजा लिया कि क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। इसी तरह स्टेशन इंस्पेक्शन किया। अभी आगे स्पार्ट और आगे रेलवे इंस्टॉलेशन का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट रेलवे के GM विजय शर्मा सोमवार को स्पेशल ट्रेन से बाड़मेर पहुंचे। रेलवे स्टेशन, वॉशिंग लाइन, रनिंग रूम, कोच केयर कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कर वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं रेलवे लाइन पर इलेक्ट्रिक वर्क का भी जायजा लिया। GM ने रेल दुर्घटना में राहत जल्द से जल्द कैसे पहुँचाई जाए, इसको लेकर हेल्थ यान के माध्यम से तुरंत मेडिकल हेल्प पहुँचाने का डेमो भी किया। वहीं ट्रेन पायलट से GM ने चर्चा भी की, साथ ही चीफ लोको इंस्पेक्टर से भी बातचीत की। वहां पर सुविधाओं का भी जायजा लेकर क्या क्या यहां सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसकी भी जानकारी ली गई। GM ने रेलवे DRM और अन्य अधिकारियों से जोधपुर से बाड़मेर मुनावा रेलवे स्टेशन तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क की भी जानकारी ली। GM विजय शर्मा ने कहा कि पहले से कोई प्रोग्राम तय नहीं है, जहां पर लगता है उस जगह का निरीक्षण किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर सुविधा, रेल पायलट, लोको पायलट से चर्चा कर जानकारी ली गई।